रांची का कांके बना कश्मीर। जी हाँ, आज रांची में मौसम का मिजाज बदला बदला दिखा। कांके क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। लोग बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए। बता दें कि झारखंड के कुछ जिलों में मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। आप खुद ही देखिए कि कांके में आज कैसा नजारा रहा बारिश और ओलावृष्टि के बाद का। इतना बर्फ हुआ कि मतलब गाड़ी में भी बर्फ जम गया है। बर्फ का ये वाइपर भी जाम हो गया है, इतना बर्फ हो गया। चारों तरफ बर्फ की चादर बन गई, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है और लोग इस बर्फ से खेलते नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है मानो कांके कश्मीर बन गया है। आप खुद ही सुनिए कि लोगों का क्या कहना है इस ओलावृष्टि के बाद। यहाँ पे आज बर्फबारी देखकर हम लोग को शिमला का जो जाने की जरूरत, इसी को देख के हम लोग को नहीं लग रहा कि शिमला हम लोग जाएंगे कभी। अभी किसानों की बात करें तो खेती कौन सा लगा हुआ अभी? अभी तो किसानों की बात किया जाए तो अभी खेती में फूलगोभी, खीरा, कद्दू ये सब लगा हुआ है। वहाँ भी नुकसान इससे पहुँचा होगा, काफी नुकसान हुआ होगा किसान भाई। अभी नहीं गए आप लोग? अभी तो हम लोग खैर बर्फ का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे शिव मंदिर प्रांगण में। कितना बर्फ हुआ था? इलाके इलाके कांके प्रखंड के कांके प्रॉपर लक्ष्मण चौक में है, लक्ष्मण चौक प्रांगण में जी। और कितना देर यहाँ पे बर्फबारी हुआ? तो आधा पौन घंटा। आधा पौन घंटा हुआ था। क्या दिख रहा है यहाँ पर नजारा? हम लोग पहली बार मतलब 20-25 साल में हम लोग याद में होता है ऐसा बर्फ कहीं नहीं देखने को मिला। हम लोग जानते थे कांके का तापमान न्यूनतम मतलब ठंडा प्रदेश ठंडा जगह है, लेकिन आज देखने को मिला कि सही ठंडा प्रदेश जैसा बर्फ हम लोग को। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी शामी की रिपोर्ट। देखिए हम लोग कांके में बहुत बहुत मौका मिला। ग्रीन इज अ स्मॉल प्लेस एंड वी हैव लाइक वेरी लेस फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ यू नो एजुकेशन एंड दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट केम टू आर माइंड दैट बेसिकली देर शुड बी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ गिरिडीह, those who are leaving the town and going outside for you know studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything, then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn you know this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.